गुड इवनिंग, नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके डेट्स के बारे में एक वीडियो जरूर निकालें, तो उसी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए, क्योंकि हमारा मकसद ही है यहाँ पर आपके सारे रिक्वेस्ट को पूरा करें, और हमारा मकसद यही है कि अगर आपकी सफलता में हमारा कुछ योगदान हो तो हमें सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, हम तैयार हैं अपना इस वीडियो को लेकर, जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और उनके टायर वन कब होंगी, उनके रिजल्ट्स कब आएंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ऑथेंटिक वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बार ज़रूर साइट से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़रूर आप निकाल लें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालने की। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, ये 17 सितंबर को दिल्ली में इसका एग्जाम हुआ था। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है, स्टैटिक जॉब है, सुप्रीम कोर्ट में ही रहेगी, मूवेबल नहीं है। इसका फर्स्ट टायर जो है रिटर्न, और इसमें 60% चाहिए था 100 में से, और कंप्यूटर में 50% यानी 25 में 13 का इन्होंने रखा था। उसकी रिजल्ट डिक्लेयर हो गई, उसके आधार पर 3000 से अधिक बच्चे पास हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं सेकेंड टायर के लिए। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, एंड इट विल बी कंडक्टेड एनीवेयर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल दिस ईयर। सो इंस्टेड ऑफ कि एग्जाम कब होंगे, विल एडवाइस ऑल द पास्ट कैंडिडेट्स कि आप जाएं टाइपिंग सीखें, बिकॉज टाइपिंग में सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और सिर्फ 3% एरर अलाउड है, 97% आपके सही होने चाहिए, और स्पीड भी है 35 से ऊपर होने चाहिए, और जितनी स्पीड आपकी अच्छी हो, जो मार्क्स आपके रिटर्न में कम होंगे वो आप यहाँ पे भरपाई कर सकते हैं। और उसके बाद टाइपिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। काफी अच्छा जॉब है, जो लोग पास हुए हैं ऑल द बेस्ट, जाइए पहले टाइपिंग क्लियर कीजिए, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्टेज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरआरबी पीओ क्लर्क, बहुत दिनों से इसका इंतजार हो रहा है रिजल्ट का, इंटरव्यूज भी हो चुके हैं आरआरबी पीओ का, तो मैं ये बता दूं कि रिजल्ट इसका 31 जनवरी या 1 फरवरी तक 100% आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद लोग एलपीटी के बारे में क्वेरी कर रहे थे, एलपीटी के लिए आप इसमें उतना डरे नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही एलपीटी हो जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज, देन ऑल्सो यू विल बी गिवन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 मंथ्स 3 मंथ्स की इसमें आप सीख जाएं, यू जस्ट हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको, और रिजर्व लिस्ट तो रहती है हर एग्जाम में, रिजर्व लिस्ट कहें सेकंड लिस्ट कहें ऑल द सेम, इट विल कम आउट एवरी क्वार्टर बट डिपेंडिंग अपॉन द नीड। मतलब अगर मान लीजिए 100 वैकेंसीज है, 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तब रिजर्व लिस्ट का मतलब क्या रहा? नहीं रहा। लेकिन मान लीजिए कि 100 वैकेंसीज है, 90 लोगों ने ज्वाइन करे अगले 3 महीने में, तो फिर जो रिजर्व लिस्ट है उसमें से टॉप 10 लेकर वो रिजर्व लिस्ट सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। अब एसएससी सीजीएल बहुत मच अवेटेड है, कई बार इसका दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी डेट्स पोस्टपोन हो चुकी हैं, लेकिन इस बार लगता है एग्जाम्स टाइम पर हो जाएंगी। टायर टू की टाइम डेट जो है वो 17 से 21 फरवरी 2018 है। टायर थ्री विल बी डिस्क्रिप्टिव एंड इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 31 मार्च 2018। टायर फोर जो है मई जून, जिसमें स्किल टेस्ट की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है में होगी, और फाइनल रिजल्ट जो है होपफुली 31 जुलाई, काफी प्रेशर है एसएससी के ऊपर, 2018 तक आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आईबीपीएस पीओ एसओ क्लर्क का, अभी आईपीएस क्लर्क का मेंस हुआ है, इसका रिजल्ट जो है प्री डिसाइडेड है, एसओ हो पीओ हो क्लर्क हो, 1 अप्रैल 2018 को आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही एलपीटी होती है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर एलपीटी में प्रोफिशिएंट नहीं है, एक अंडरटेकिंग दीजिए, 2-3 महीने में सीख लीजिए। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और रिजर्व लिस्ट विल बी आउट एवरी क्वार्टर सेम आरआरबी पीओ टाइप क्लर्क टाइप की, अगर जरूरत पड़े तो ही रिजर्व लिस्ट बाहर आएगी। हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक बहुत ही जो असिस्टेंट चीफ इंटेलिजेंस अफसर है, इसका पहला टायर का रिजल्ट बाहर आ चुका है। टायर टू जो है 25 फरवरी 2018 को डिस्क्रिप्टिव है, ये डिसाइडेड है, संडे का दिन है, और अलग अलग सेंटर्स में होंगे। इसमें क्या है, ऐसे राइटिंग होगी 30 मार्क्स की, ओवर्ड लिमिट तकरीबन 250 की होगी, जरूरी नहीं एग्जैक्ट 250 आप काउंट करने लगे, 240 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है, और प्रिशिस राइटिंग है 20 मार्क्स की। प्रिशिस मतलब संक्षिप्त में लिखना, समरी आप मान सकते हैं। और इसके बाद जब ये हो जाएगा तो इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, जो शायद मई या जून 2018 में होगी। इसके बाद चलते हैं, इंडियन एयरफोर्स का एफकेट का एग्जाम है, और ये भी 25 फरवरी को। तो अब लोग हमें पूछ रहे थे कि सर हम एफकेट दें या इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIU दें, तो हमारी जो एडवाइजरी बॉडी है उसने यही कहा कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIU दे दें, क्योंकि एफकेट हर 6 महीने पे आप जरूर दे सकते हैं, एक फरवरी में एग्जाम होता है, एक अगस्त में एग्जाम होता है, लेकिन
एंट्रेंस ब्यूरो का बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है। और एफकैट मेन तो एसएसबी रहता है, एसएसबी बड़ा ही टफ रहता है, वो कभी कभी पूरे ग्रुप वॉश आउट हो जाते हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में चांसेस हैं क्योंकि उनको 1300 बंदे तो लेने ही लेने हैं। और इंडियन एयरफोर्स का एयरमैन की भी वैकेंसी निकली थी एक्स और वाई ग्रुप की, उसके आपने फॉर्म भर दिए होंगे, तो एडमिट कार्ड जो है वो 6 फरवरी से डाउनलोड कर होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ सेंटर पड़ा है आपका, क्योंकि 3 चॉइसेस मांगे थे। रिटर्न एग्जाम 10 और 11 को होंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, उसके बाद सेकंड फेज ऑफ एग्जाम होगा, और सारे कुछ होने के बाद जो कोर्स कमेंस हो रहा है वो 1 जनवरी 2019 को ट्रेनिंग सेंटर आपका बेलगांव से होगा। कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्वेरी करें हम उसका समाधान करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बहुत बधाइयां जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अभी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए होंगे होपफुली। एलपीटी की जो उम्मीद लग रही है लास्ट वीक ऑफ फरवरी में होगी, ज्वाइनिंग लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आ जाएगा। रिजर्व लिस्ट इसमें भी वैसा ही है कि अगर एवरी क्वार्टर में रिजर्व लिस्ट निकालेंगे ओनली इफ द नीड अराइजेस। इसके बाद UIACL असिस्टेंट के लिए भी बधाइयां बहुत लोगों का, सब उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 12 फरवरी तक ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। रिजर्व लिस्ट विल बी आउट एवरी क्वार्टर जैसा कि हर बार होता है, और मतलब अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो। दोस्तों ये थी हमारे पास जो भी जानकारियां थी अपने मेन मेन एग्जाम्स की, वो हमने बता दी। जो आपके कौतूहल हैं, जो इंटरेस्ट है कि कब क्या होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपको, सब भूल जाइए और लग जाइए अभी अगले एग्जाम्स के, खासकर जो SBI का क्लर्क है उसमें लग जाइए, सफलता आपके ज़रूर कदम चूमेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल क्योंकि तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें, और शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।